आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास पीएम मोदी के हाथों होना है। इसको लेकर यूपी समेत भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके मद्देनजर गोरखपुर जोन के एडीजी दावा शेरपा ने बुधवार को भारत नेपाल की सनौली सीमा का दौरा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एडीजी ने नेपाल के अधिकारियों से भी बॉर्डर अलर्ट रखने के लेकर चर्चा की तथा कहा कि बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ाई जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा ने कहा, देखिए ये जो सीमा है वैसे भी अदरवाइज बाकी टाइम में भी बहुत संवेदनशील माने इसलिए जाते हैं कि ये खुली सीमा है, और इस खुली सीमा का जो फ़ायदा उठाते हुए जो ऐसे तत्व जो देश विरोधी है हमारे यहाँ किसी प्रकार के घटना करना चाहते हैं, बड़ी घटना करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल मतलब करने के लिए आसान है। खुली बॉर्डर है, दोनों तरफ बहुत सारे गांव हैं, कई गांव तो ऐसे हैं कि नो मैन्स लैंड में ही है। 5 तारीख को कार्यक्रम को लेके कुछ इनपुट्स है जिसमें कि नेपाल बॉर्डर में सतर्कता बरतने की बात कही गई है, और इसमें SSB और यहाँ जो और एजेंसी है और स्थानीय पुलिस है सबका समन्वित प्रयास इसमें है, और इसमें पेट्रोलिंग चेकिंग और तलाशी इत्यादि की जाएगी। नहीं इसलिए मैंने कहा कि इसमें दोनों तरह की बातें हैं, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत समस्या नेपाल भारत को लेकर भी है, और साथ में फिर 5 तारीख को प्रोग्राम भी है, तो ये सभी चीज़ मिला के एक संवेदनशीलता बनी हुई है, तो उसको मद्देनज़र ये सब किया जा रहा है।